कश्मीर के विषय में 1993 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना ये थी कि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए किसी सरकारी दल को नहीं भेजा। उन्होंने कहा सरकार इसका विरोध नहीं करेगी, भारत इसका विरोध करेगा। तो उन्होंने तत्कालीन विपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नियुक्त किया, अपने मंत्री सलमान खुर्शीद को नियुक्त किया, कश्मीर हिंदुओं का संगठन है पनून कश्मीर उनका डेलीगेशन जनीवा भेजा, और जनीवा में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन में ये डिटेल्स दिए कि अगर कश्मीर में मानवाधिकारों का कोई हनन हुआ है तो वो कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है, पूरा समाज का पलायन कर दिया गया है। और ये रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो 57 हैं उनकी तरफ से आया था। तो जब ये पूरी घटनाक्रम उनके सामने रखा गया तो पाकिस्तान का जवाब था कि देखिए कश्मीर इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, कि ये तो उस समय बंटवारे के समय पाकिस्तान में आ जाना चाहिए था, क्योंकि बंटवारे में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान जाने थे, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में रहने थे। तो उस समय टीएन कॉल एक राजनयिक थे, उन्होंने कहा कि यदि बंटवारे की शर्तों पर ही कश्मीर का फैसला होगा तो आर यू रेडी टू टेक 15 करोड़ मुस्लिम्स अलोंग विद टेरिटरी ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान, बिकॉज पार्टीशन वॉज टू क्रिएट टू सेपरेट नेशंस, वन फॉर हिंदूज एंड वन फॉर मुस्लिम, देयर हैड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, कि हिंदुओं के लिए भारत है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है। लेकिन भारत ने कहा कि जो मुसलमान यहां रहना चाहें रहें, ऐसे में अगर आप फिर भी वही सिद्धांत अपनाते हो तो फिर ठीक है, आप कश्मीर भी ले जाइए और 15 करोड़ मुसलमान भी साथ ले जाइए, करेंगे क्या। ईरान को बात समझ में आ गई, ईरान विड्रू इट्स सपोर्ट, उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने अपना सपोर्ट से विड्रॉ किया। उन्होंने कहा यह बात नहीं चल सकती, वो रेजोल्यूशन गिर गया, पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा जनीवा में, क्योंकि भारत की तरफ से यह दावा था कि कश्मीर में यदि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन है तो वो कश्मीरी समुदाय के साथ है, उनकी एथनिक क्लेंजिंग हुई है, रिलीजियस एथनिक क्लेंजिंग हुई है। अगले साल हम वापस आते हैं, दिल्ली में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो नया नया नवगठित हुआ है, उसके चेयरमैन है जस्टिस वेंकटाचलैया, उनके पास जाकर के कहते हैं कि 4 साल हो गए हमारे विस्थापन को, आप क्या कर रहे हैं इस विषय में। और इस ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा जाता है कि देखिए हमारे साथ एक जेनोसाइड हुआ है, जाति संहार हुआ है। तो जस्टिस वेंकटाचलैया नोटिस देते हैं सरकार को कि हमारे पास ये एक पिटिशन आई है, आपको इसमें क्या कहना है। तो आप जानते हैं तत्कालीन सरकार लिखित में क्या जवाब देती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, अंग्रेजी में आई एम जस्ट कोटिंग वर्बटिम, वो कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी हिंदूज फ्रॉम कश्मीर वैली इज सेल्फ इंड्यूस्ड। हम कहते हैं कि अभी कुछ महीनों पहले आपने जेनीवा में यूएन को बोला है कि दे आर विक्टिम्स ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, तो कहते हैं कि देखिए आप हमें, वी आर फाइटिंग अ वेरी ग्रिम बैटल इन कश्मीर, सो डोंट पुट अस इन द डॉक, डोंट डिस्ट्रैक्ट अस, वी आर ट्राइंग टू somehow डू समथिंग फॉर यू, सो कीप क्वाइट, वी विल हेल्प यू, विल बी देयर। And how were they trying to help us? Those who committed that genocide in Kashmir and kicked us out, those who murdered, those who raped, those who usurped our houses, those who desecrated our temples, those who committed massacres, दो साल के बच्चों के ऊपर जिन्होंने AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी थी, ऐसे लोगों को वो अभय देकर कहते हैं कि आपके हम केसेस विड्रॉ करेंगे, आप भारत की ओर अपना रुख कीजिए।
यासीन मलिक जैसे लोग, बिट्टा कराटे जैसे लोग, डू यू नो दैट इन द लास्ट 27 ईयर्स नॉट वन मर्डर, नॉट वन रेप, नॉट वन एबडक्शन, नॉट वन यूसर्पिंग ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट वन डेसिक्रेशन ऑफ टेम्पल, नॉट वन क्राइम, नॉट इवन एज एन एक्सेप्शन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड, सेंटेंस्ड, कन्विक्टेड, नॉट इवन वन इन कश्मीर. एक भी विक्टिम को, एक भी सर्वाइवर को आज तक न्याय नहीं मिला है. जिन लोगों ने मीडिया में इंटरव्यूज देकर इसको घमंड से कहा था कि हां हमने मारा है, वो आज नेता बने घूम रहे हैं. उनको हमारी सरकार पालती है, उनका खर्चा देती है. 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है. ये आरटीआई में होम मिनिस्ट्री ने बोला है जस्ट 2 महीने पहले. उनका इलाज कराती है, देश में नहीं हो पाता तो विदेश में भेज के इलाज कराती है. वो पासपोर्ट पे घूमते हैं. आप अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या. इन लोगों ने जेनोसाइड किया है, ये दुनिया भर में घूमते हैं. इनके प्लेन टिकट्स, इनके होटल बिल्स हमारी सरकार आपके टैक्स से पे करती है. ये हो रहा है कश्मीर के साथ. क्या मजबूरी है? देश भर में सेक्युलरिज्म चलेगा लेकिन कश्मीर में निजामे मुस्तफा चलेगा? क्या मजबूरी है? आज बांग्लादेश 1971 के अपने वॉर क्रिमिनल्स को फांसी दे रहा है ना. आज आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वॉर हुई थी 1971 में, 45 साल से ज्यादा हो गए, फांसियां दे रहे हैं उनको. वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल गठित करके उन पर ट्रायल्स चलते हैं, उनको कन्विक्ट किया जाता है प्रोसीजर के थ्रू. बांग्लादेश की डेमोक्रेसी और बांग्लादेश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमसे अच्छा है? या बांग्लादेश की सरकार में वो इच्छा शक्ति है, वो राजनीतिक प्रतिबद्धता है जो हमारे यहां नहीं है? बांग्लादेश की सरकार को किसी सेक्युलरिज्म का लकवा नहीं मारा गया है, उसको किसी जेनोसाइडर से सेक्युलर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है. वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनको पता है कि अगर इन फंडामेंटलिस्ट को हम पनिश नहीं करेंगे तो हम सिविलाइज्ड सोसाइटी के रूप में नहीं रह पाएंगे. लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई चिंता नहीं. इसलिए जब सैयद सलाहुद्दीन इस्लामाबाद से हड़ताल का कैलेंडर घोषित करता है कि 8 जुलाई को बुरहान वानी मारा गया था और 13 जुलाई को 1931 में हमारे राइटर्स मारे गए थे, सो 8 से 13 तक एक हफ्ते का हम लोग हड़ताल कैलेंडर घोषित कर रहे हैं, तो विद इन आवर्स आज की जम्मू कश्मीर सरकार कहती है इन हफ्तों, इस पूरे हफ्ते में हम स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद रखेंगे. इससे पहले के लोग कहें कि हाँ हम हड़ताल के समर्थन में, सरकार कहती है कि आपकी हड़ताल को तो सफल हम बनाएंगे. ये कर रहे हैं हम लोग कश्मीर में. ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? ये प्रश्न खड़े करने में आज आपके पास आया. 1947 में क्या हुआ, किसने क्या गलतियां की, वो इतिहास की बात है. आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं. मैं जगह जगह इस विषय में बोलता रहा हूं, यूट्यूब पे वो तथ्य उपलब्ध हैं, उस पर बहुत से पेपर्स और बुक्स लिखी जा चुकी हैं. इफ यू रियली वॉन्ट टू नो, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टेलिंग यू अबाउट दैट, बट यू मस्ट नो वट इज हैपनिंग टूडे. पिछले 3 साल में कश्मीर में जो हो रहा है वो तो आज तक कभी नहीं हुआ. पिछले साल बुरहान वानी 8 जुलाई को मारा गया था. आप सोच सकते हैं कि क्या किया गया उसकी एनकाउंटर के बाद. उसके शव को ऐसा सेंड ऑफ मिला जैसा शायद इस देश में महात्मा गांधी के शव को नहीं मिला था.
ये वहां की सरकार ने तय किया, लोगों ने कर्फ्यू डिफाई किया, आर्मी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस घर दुबक के बैठ गए। आपको याद है जब ओसामा बिन लादन मारा गया था तो ओबामा ने उसकी डेड बॉडी की फोटो तक नहीं छपने दी थी कहीं, दुनिया तरस गई थी देखने के लिए कि मरा हुआ ओसामा लगता कैसा है, याद है ना आपको। तो ओबामा मूर्ख नहीं था। हम लोग इन आतंकवादियों के, इन जेनोसाइडर्स के, जिहादियों के इतनी धूमधाम से जनाजे निकलवाते हैं क्यों? इस सरकार ने किया है, ये पिछले 3 साल में हुआ है, ये पहले नहीं होता था। आपको याद होगा अफजल गुरु की वो बॉडी मांगते रह गए थे, वो तिहाड़ में किसी अनमार्क्ड ग्रेव में बरिड है, वो कश्मीर नहीं गई थी। अजमल कसाब को जब फांसी लगी थी उसका कोई जनाजा नहीं निकला था। लेकिन हां अभी मुंबई में याकूब मेमन को जब फांसी लगी थी, आपको मालूम है कितने हजार लोग जमा हो गए थे? डिड ही डिजर्व अ पब्लिक फ्यूनरल? किस लिए? किससे आप अप्रूवल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? याकूब मेमन को एक स्टेट्समैन का फ्यूनरल देने का काम क्यों कर रहे हैं आप? वहां तो कांग्रेस सरकार नहीं है ना महाराष्ट्र में, और कश्मीर में भी अब वहां कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार नहीं है, राष्ट्रवादी है ना वहां सरकार में। वहां तो नेमलेस फेसलेस पाकिस्तानी टेररिस्ट के शव भी लोकल मॉस्क को दे दिए जाते हैं और 40-40, 50-50 हजार लोग निकल करके जलूस निकालते हैं उनके जनाजों का। सोचिए क्या होगा अगर कोई 10-15 साल का लड़का जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जिसको घर से भी डांट पड़ती है और मोहल्ले से भी झिड़की पड़ती है कि तुम क्या करते हो, उसको दिखेगा कि देखिए हीरो मार्टिडम ग्लोरी का ये क्या जबरदस्त शॉर्टकट है, इसके लिए पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, कोई डिग्री अर्जित नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत करियर नहीं बनाना पड़ता, ये बंदूक उठानी पड़ती है, उससे क्या लगता है, उससे सब आपके सामने झुकते हैं, आपको पैसा भी मिलता है, आपकी वाहवाही भी होती है। इस तरह रिक्रूटमेंट हो रही है कश्मीर में, और ये रिक्रूटमेंट होने दी जा रही है। दूसरा एक काम जो कश्मीर में हुआ है वो ये है कि आपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को पंगु बना दिया है। आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को देखिए, वहां के टेररिस्ट नहीं चाहते कि वहां आर्मी तैनात हो, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो, तो वो बार बार एक वर्ड कहते हैं डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइज कीजिए कश्मीर। भारत सरकार कहती नहीं 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 डीमिलिटराइज नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक आसान रास्ता निकाल दिया है कि मिलिट्री रहने दो, लेकिन जवान को, हथियारबंद जवान को एक बिजली के खंभे की तरह खड़ा कर दो, जो हथियार होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना कर सके, जो मानसिक तौर पर ऐसे प्रेशर में हो कि अगर मैं गाली का जवाब डांट करके भी दूं तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, मुझे खड़े होकर के केवल अपने संयम का परिचय देना है, अपनी सहनशीलता का सर्टिफिकेट जुटाना है उस जिहादी से, उसकी लात घूंसे खाकर भी, उसकी गाली खाकर भी, उसके थप्पड़ खाकर भी चुप रहना है, क्योंकि मैं एक बड़ी मैच्योर और टॉलरेंट आर्मी का जवान हूं। जब हम लोग कश्मीर से निकले थे तो सैनिकों का दस्ता अगर सड़क पर निकल जाता था तो खिड़कियां बंद हो जाती थी, लोग दुबक जाते थे, किसी भी उपद्रवी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो दिख जाए। आज वहां जब आर्मी एनकाउंटर करती है तो लोग पीछे से आकर उस पर पत्थर मारते हैं। आज यहां आने से पहले आज घटना घटी है, शाम को जब आप घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अनंतनाग में एनकाउंटर हो रहा था, एक लश्करी को मारा गया, तो आर्मी पर, सीआरपीएफ पर, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पर जो एनकाउंटर कर रहे थे पीछे से पत्थर फेंके गए। ये हिम्मत कैसे बढ़ी उनकी, ये आपने कैसे होने दिया?
ये आपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की धार को, उनके इकबाल को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी वर्दी के प्रभाव को खुद बौना किया, खुद कम किया। आपने जनरल ऑफिसर कमांडिंग डीएस हुड्डा से 14 सितंबर 2014 को सार्वजनिक माफी मंगवाई, जबकि एक इंक्वायरी पेंडिंग थी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वहां का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी है, जो भारत का प्रतीक है, भारत की ओर से उस जिहाद का मुकाबला कर रहा है, आप उससे सार्वजनिक माफी मंगवा रहे हैं। और फिर वहां के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज तक किसी सरकार ने सेना के इतने बड़े अफसर से माफी मंगवाई क्या, यह हमारी सदाशयता का प्रमाण है। यह हालत कर दी आपने सेना की। सेना के बंकरों को दिन दिहाड़े बुलडोजर लाकर एक एक ईंट करके तोड़ा जाता है और पूरा शहर इकट्ठा होकर के तालियां बजाता है, सीटी बजाता है, भारत विरोधी नारे लगाता है, आर्मी विरोधी नारे लगाता है, पाकिस्तान के झंडे फहराता है। आप किसको अपीज कर रहे हैं, किसको कंसेशन दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? क्या इज्जत और क्या प्रभाव रहेगा हमारी आर्मी का, हमारे सुरक्षा बलों का? पुलिस के सुपरिंटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट वर्दी पहनकर नहीं निकलते हैं सार्वजनिक तौर पे, खौफ है। बिना वर्दी के मोहम्मद अयूब पंडित को पकड़ लिया था, पहचान लिया और मार दिया गया, डीएसपी था। अभी पिछले हफ्ते सुना है ना आपने, इन एसपीज ने फेक आईडीज बना ली हैं कि अगर हमें गलती से किसी ने धोखे में पकड़ लिया तो हम कह सकते हैं कि हम पुलिस वाले नहीं हैं, ये हमारी दूसरी आईडी है। ये ऐसा डिमोरलाइज किया है आपने, क्यों क्यों होने दे रहे हैं ये सब?